हाय गाइस, वेलकम बैक टू 06 30 पॉइंट। और अब हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि सबसे ज़्यादा गलती करी आप सभी ने। सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर लिया है, बट सभी अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपने जो फ़ोटो अपनी लगाई है वो करेक्ट लगाई है या नहीं लगाई है। गाइस, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो सबसे पहले यार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा करो या फिर किसी से सजेशन ले लिया करो कि क्या भरना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फ़ोटो पर डेट और टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम नोटिफिकेशन से डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ, इट शुड बी कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ विथ वाइट स्लैश लाइट कलर बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो आपकी या तो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए या फिर कोई भी लाइट कलर के बैकग्राउंड पर, डार्क बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैक्सिमम साइज 35 mm x 45 mm और 320x240 pixels। ये एक नॉर्मल साइज होता है पासपोर्ट साइज का, इसका आप चिंता मत लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट स्कैंड विथ 100 dpi रेजोल्यूशन। ये भी आपको फोटोग्राफर करके दे देगा, और आपका अगर अपने स्मार्टफोन से भी क्लिक करते हो तो भी आपकी फ़ोटो इतनी ही आनी है। द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB। एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज का फोटो इतना ही होता है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। द कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1/10/2018। जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो अक्टूबर 1 अक्टूबर के बाद की होनी चाहिए। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज्ड पोर्ट्रेट्स मे रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। गाइस, इसमें लिखा है कि आपकी जो फ़ोटो होती है वो मोबाइल से क्लिक करी हुई नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसमें कोई आपके जो पोर्ट्रेट्स लगा देते हो या फिर कोई कुछ भी आप उस पर एडिटिंग कर देते हो वो नहीं होना चाहिए। इसकी दिक्कत मतलब आप मोबाइल से अगर आप को आती है खींचनी तो आप क्लिक कर सकते हो, और जिस तरीके से आपका जो भी एग्जैक्ट साइज़ है बिना किसी एडिट करे, कुछ एडिटिंग करें आप उसको अपलोड कर सकते हो, बट जो साइड में आपकी जिस तरीके से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है रियल वाली देखने में, उसी तरीके से वो आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है। द फोटो शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप और सनग्लासेस, ठीक है। आपको ना तो कोई कैप लगानी है और ना ही अपने सनग्लासेस को यूज़ करने हैं, और ना ही अपने स्पेक्ट्स यूज़ करने हैं, वाइट वाले ग्लास, ठीक है। कोई भी चश्मा यूज़ नहीं करना है, वो तो आपके लिए ठीक रहेगा। द फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% द एरिया ऑफ द फोटोग्राफ एंड फुल फेस व्यू लुकिंग एट द कैमरा डायरेक्टली। आपकी फ़ोटो में आपका जो 50% एरिया होना चाहिए वो आपका फेस का होना चाहिए, और आपको फ़ोटो क्लिक कराते वक्त बिल्कुल डायरेक्टली कैमरे की तरफ देखना है, ताकि आपकी आइज़ की फ़ोटो एकदम क्लियर आए। द फोटो नेक्स्ट है आपका, द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर ऑफ द हेड और क्लोथ और एनी शेडो। आपका जो फेस होना चाहिए वो ना तो सामने वाले की शेडो से कवर होना चाहिए, ना ही आपके हेयर्स से, ना ही आपके किसी कपड़े से, कोई कवर या फिर अपने जैकेट वैकेट, आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए। सिंपली टी शर्ट पहन के आप फ़ोटो खिंचाइए, और सामने कुछ भी कोई किसी की परछाई नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर, कुछ भी नहीं आना चाहिए, फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है, फोरहेड आइज नोज चिन शुड बी क्लियरली विजिबल। आपका पूरा चेहरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इन केस द कैंडिडेट वियर ग्लासेस देन द फोटोग्राफ मस्ट नॉट हैव बीन ग्लेयर रिफ्लेक्शन ऑन ग्लासेस एंड आई शुड बी क्लियरली विजिबल। अगर आप चाहते हो कि आप चश्मा लगाकर फोटो खिंचाओ तो आपके जो चश्मे होते हैं उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए ग्लासेस पर, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो आप उनको रिमूव कर फोटो खिंचाइए, फिर उसको वापस पहन लीजिएगा, ठीक है। बिना ग्लासेस के फोटो खिंचाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। द फोटोग्राफ मस्ट मैच द कैंडिडेट अपियरेंस ऑन द डे ऑफ CVT एंड DV। सो गाइस, जो भी आपकी फ़ोटो होगी एडमिट कार्ड पे, जो भी आप सबमिट करोगे, वो और आप दोनों बंदे सेम होने चाहिए, जो फ़ोटो में बंदा है और जो आप हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने बाय मिस्टेक अपने भाई की लगा दी, आपकी फ़ोटो नहीं है, ठीक है। किसी और की फ़ोटो नहीं लगानी, एडमिट कार्ड पर भी फ़ोटो सेम होने चाहिए, और CVT के वक्त जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो भी आप ही होना चाहिए, और फ़ोटो भी वही आपको लेके जानी है जो कि आप फॉर्म पर सबमिट करोगे। नेक्स्ट है आपका, PWD कैंडिडेट शुड ऑल्सो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर अबव स्पेसिफिकेशन ओनली एंड नॉट द फुल बॉडी फोटोग्राफ यूज इन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो आपको अपनी अपनी पासपोर्ट साइज, अगर आप PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज नॉर्मल फोटो लगानी है, जैसे कि सभी कैंडिडेट्स लगा रहे हैं, ना कि वो जो कि आपने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लगाए, वो फोटो नहीं लगानी, आपको पासपोर्ट साइज फोटो ही लगानी है नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फर्दर यूज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो आपको
वही उसी फ़ोटो की 12 कॉपीज़ रखनी है। आप क्या कर सकते हो, उस फ़ोटो को जो आप उससे बनवाओगे, फोटोग्राफर से फ़ोटो बनवाओगे, तो आप उसको पेन ड्राइव में ले लेना, ठीक है, और उसको अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके रख लेना, या फिर आप मेल करके रख लेना, ताकि वो आपके पास बैकअप में सेव रहे। और आप उसकी चाहे तो अभी से 12 कॉपीज़ निकलवा सकते हो, या फिर आप बाद में भी निकलवा सकते हो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी वो वाली रहेगी, ठीक है। तो ये तो आपका सारे प्रोसीजर हो गए, सेलेक्ट अपलोड सिग्नेचर टैब एंड अपलोड द स्कैन, फिर आपका इसमें सिग्नेचर आ जाता है, ये सभी आपका सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है। सो गाइस, आपका फ़ोटो में आपका क्लियरली बता दिया है कि आपकी फ़ोटो पर कोई भी सिग्नेचर या आपका नाम या फिर आपकी डेट ऑफ फ़ोटोग्राफ नहीं आएगी, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ फ़ोटोग्राफ पूरा मैंने पढ़ के बता दिया, आप इसमें देख सकते हो क्लियरली कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर या फिर अपनी डेट ऑफ फ़ोटो या फिर डेट ऑफ बर्थ के साथ अपलोड करनी है। आपको किसी कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल एक फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके ऊपर नीचे कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं लिखना फ़ोटो पर। समझ गए हो बात, फिर से बता देता हूँ, फ़ोटो क्लियरली क्लिक करी होनी चाहिए, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए फ़ोटो पर, अपना नाम पता कुछ नहीं लिखवाना, ठीक है, कोई डेट नहीं लिखानी, ना डेट ऑफ बर्थ ना डेट ऑफ फ़ोटो, कुछ भी नहीं लिखाना, ठीक है गाइस। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ये वीडियो पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हो, और आपकी जो RRB JEE की सीरीज़ है, बहुत सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर करा दिए गए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करो और सब कुछ पढ़ो अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।